गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड लेसन सेकेंड द सुनामी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर ऑफ क्वेश्चंस विच वर गिवन टू यू यस्टरडे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीज क्वेश्चन आंसर्स आर फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन चेक. इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड. हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, यानी कि 1.5 लाख लोग सुनामी में मारे गए, इसमें एनिमल्स कितने मारे गए. फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी, यानी कि कुछ ही जानवर इसमें मारे गए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क. याला नेशनल पार्क में कितने पीपल, यानी कि कितने लोग और कितने एनिमल्स मारे गए. आंसर इज 60 पीपल डाइड, वेयर एज ओनली 2 वाटर बफलोज डाइड इन द याला नेशनल पार्क. यानी कि यहाँ पे 60 लोग मारे गए और केवल 2 समुद्री भैंसे ही मारी गई इस नेशनल पार्क में. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क. याला नेशनल पार्क के जो वहाँ के एलिफेंट्स थे उनके बारे में लोग क्या कहते हैं. द आंसर इज पीपल से दैट 3 एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. यानी कि वहाँ के 3 हाथी एक तरह से चीखने लगे और ऊंचे स्थानों पर भागने लगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू. गाले में जो कुत्ते थे वहाँ उन्होंने क्या किया. द डॉग्स इन गाले रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. गाले में कुत्तों ने अपने डेली का जो उनका बाहर जाने का काम होता था बीच पर, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरिड अबाउट अ सुनामी. यानी कि जब उसने अर्थक्वेक महसूस किया, आपके विचार से क्या इग्निशियस तुरंत ही इससे चिंतित हो गया सुनामी से. गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दो. द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज नो. व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसने भूकंप को महसूस किया, इग्निशियस डिड नॉट वरी अबाउट अ सुनामी. इग्निशियस सुनामी के बारे में चिंतित नहीं हुए, रादर इसके बजाय ही वरीड अबाउट हिज टेलीविजन. उसको अपने टेलीविजन की चिंता हुई. ही टुक इट ऑफ द टेबल, उसने इसको टेबल से उतारा. एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड लेस्ट इट शुड ब्रेक, और इसको ग्राउंड पर रख दिया अन्यथा ये टूट जाता. क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू स्किप. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर मेघनास एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर. मेघना और अलमास की कहानी एक जैसी कैसे थी. आंसर इज मेघना वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स. मेघना जो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी. सी स्पेंड 2 डेज फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए गुजारे. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का डोर पकड़कर. अ वेव ब्रोट हर टू द शोर, एक लहर उसको किनारे पर ले आई. सिमिलरली इसी तरीके से अलमास वॉज वॉस्ट अवे, इसी तरीके से अलमास भी बह गई. सी क्लाइम्ड ऑन अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड, वह एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई और बेहोश हो गई. शी वॉज सेव्ड, बाद में उसको बचा लिया गया. Thus both escaped death, इस प्रकार दोनों ही मौत से बच गई. क्वेश्चन नंबर 4, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to, could have reacted to her behavior. यानी कि वो विभिन्न तरीके क्या हैं जिसमें टिली के माता पिता ने उसके व्यवहार के ऊपर रिएक्ट किया होगा. What would you have done if you were in their place? अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते. Answer is her parents could have thought, यानी कि उसके parents ये सोच सकते थे, that Tilly had lost her wits, कि Tilly पागल हो गई है. They could think that, वो ये भी सोच सकते थे, Tilly was undergoing a fit of hysteria. Fit of hysteria means दौरा पड़ना, कि Tilly को दौरा पड़ा हो. I would also have reacted in the way, और मैं भी इसी तरीके से रिएक्ट करता, प्रतिक्रिया देता, इफ आई वर इन देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पर होता. क्वेश्चन नंबर 5, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड,
हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर? अगर टिली का अवॉर्ड शेयर किया जाए, बांटा जाए, तो आपके विचार से उसको किसको शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ? आंसर इज आई थिंक शी शुड डिसाइडली शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, यानी कि मेरे विचार से यह अवॉर्ड जो है वो उसको अपने ज्योग्राफी टीचर से शेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? यानी कि दो अलग अलग विचार क्या हैं कि कुछ ही जानवर इस सुनामी में मारे गए, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, और कौन सा विचार आपको ज़्यादा विश्वसनीय लगता है? आंसर इज फर्स्टली, सबसे पहले, मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग ये मानते हैं एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में छठी इंद्री होती है। दे नो, वे जान जाते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि धरती जो है वो कब हिलने वाली है, वो ये मान जाते वो पहले ही जान जाते हैं। सेकेंडली, सम एक्सपर्ट्स होल्ड दैट एनिमल्स एक्यूट हियरिंग पावर हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। दूसरा आइडिया ये है कि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा सुनने की ताकत है वो उनकी सहायता करती है धरती की वाइब्रेशन को, धरती की कंपन को सुनने में और महसूस करने में। द सेकेंड आइडिया इज मोर बिलीवेबल, और ये जो दूसरा विचार है वो ज़्यादा विश्वास करने योग्य है। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू राइट them in your fair notebook. You have to learn also. Tomorrow we will read poem 2. Thank you.